हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे, घर में होंगे और अपने साफ़ सफाई का ध्यान रख रहे होंगे। घर में रहते हुए हमें थोड़ी पढ़ाई भी कर लेनी चाहिए, ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ी बहुत पढ़ाई कर लेनी चाहिए ताकि हमारा जो ज्ञान है वो बना रहे। आज हम जानेंगे पर्यायवाची शब्द। सबसे पहले पर्यायवाची शब्द का अर्थ समझते हैं। पर्यायवाची शब्द का अर्थ है समान अर्थ देने वाला, यानी किसी शब्द विशेष के लिए प्रयुक्त समानार्थक शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। यानी एक ही शब्द को हम और क्या क्या बोलते हैं। पहला एग्जाम्पल है फूल। फूल का पर्यायवाची पुष्प, सुमन और कुसुम। ठीक, नेक्स्ट है सूर्य। सूर्य का पर्यायवाची रवि, भानु और भास्कर। अगला एग्जाम्पल है चांद। चांद को हम इंद्र, चंद्रमा और इंदु भी कहते हैं, चंदा भी कहते हैं। नेक्स्ट है नदी। नदी को हम तटनी, तरंगिणी और सरिता भी कहते हैं। ये तीनों पर्यायवाची इसी के हैं। नेक्स्ट है धरती। धरती को हम भू, धरा और वसुधा भी कहते हैं। अगला है आकाश। आकाश का पर्यायवाची नभ, अंबर और गगन। ठीक, नभ, अंबर, गगन, ये तीन इसके पर्यायवाची हैं। अगला है राजा। राजा का पर्यायवाची नृप, नरेश और भूपति। नेक्स्ट है दिन। दिन का पर्यायवाची दिवस, वार, प्रमाण। ठीक, अगला है मीठे मीठे आम। आम को हम आम, रसाल और अमृतफल भी कहते हैं। अगला है भगवान। भगवान को हम देवता, सुर और अमर भी कहते हैं। नेक्स्ट है रात। रात को हम रात्रि, निशा और कादंबरी भी कहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।